नेशनल रेल म्यूजियम में एक सबसे पुराना चलता फिरता फायर इंजन है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इंजन अपने आप में खास है। अपने आप में खास क्यों है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनआरएम के डायरेक्टर सौराष्ट्री जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्यों खास है ये? क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना चलता फिरता फायर इंजन है। इसको 1914 में जॉन मॉरिस एंड कंपनी यूके की है जिसने बनाया था, और रेलवेज के पहले इसको निज़ाम रेलवे जो था हैदराबाद में, उन्होंने अपना एक रेलवे का उनका वर्कशॉप था जिसके लिए इसको मंगाया था, वर्कशॉप में फायर फाइटिंग के लिए। तो फायर फाइटिंग के लिए मंगाया गया था। तो इस पे सफर कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए, चालू हालत में है। चालू हालत में है तो इस पर हम लोग सफर करेंगे, अंदर पहुँच देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये इंजन चलता है। तो सर, यहाँ से ये इंजन चलाया जाता है? अच्छा, चलाइए इसे जरा। ये देखिए, ये अपने आप में खास है क्योंकि इतनी पुरानी मशीन, 1914 की ये मशीन है और अभी भी चल रही है। तो सर, ये मशीन जब चलाते हैं आप लोग तो किस तरीके का फख्र महसूस करते हैं? देखिए, हेरिटेज की कोई भी चीज़ है उसको रेल म्यूजियम में, जहाँ पर हम लोग अभी इस समय हैं, हम रेलवे की हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। और हेरिटेज को जब भी हम प्रिजर्व करते हैं, उसको मेंटेन करने में एक अजीब सा खुशी महसूस होती है, लगान उससे महसूस होता है हम लोगों को, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमारे पूर्वजों ने, रिलेटिव्स ने, बाकी लोगों ने इस पे ट्रैवल किया था। और इसके साथ में मेंटेन करना, जैसे कल मैं बताऊँ आपको, कल हम लोग गए थे स्टेट्समैन विंटेज कार रैली में, 53rd स्टेट्समैन विंटेज कार रैली। विंटेज कार रैली में भी चला है इसको? जी। अच्छा, ये विंटेज कार रैली में करीब पिछले 38 साल से रेगुलर चल रहा है, और कल वाली कार रैली में ये सबसे पुराना चलने वाला व्हीकल था। 1914 का बना हुआ है, 105 साल पुराना। और इसने पूरी रेस कंप्लीट की? पूरी रेस कंप्लीट की। करीब 50 किलोमीटर की जर्नी थी जो कि स्टेट्समैन हाउस से शुरू होकर के गई थी नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी तक, और वहाँ से वापस आके नेशनल स्टेडियम में ये ख़त्म हुई थी। तो पूरा 50 किलोमीटर का जर्नी इसने कल कंप्लीट किया 5 सालों बाद, और इस 5 साल के दौरान ये कभी भी कंप्लीट जर्नी में नहीं जा रहा था। इसके लिए पिछले साल जब ये जर्नी में गए थे विंटेज कार रैली में, तो जो एक्सटीआरबी थे लोहानी साहब, उन्होंने इसका पहल दी थी और बोला था कि इसको कोशिश करो कि इसको रिपेयर करो और इसको पूरी जर्नी में ले जाओ। अच्छा, तो पूरी जर्नी में चली। सर, इसका जो खास बात है कि एक तो 1914 का है, दूसरी चीज़ ये फायर इंजन जो है हैदराबाद निज़ाम का था। इसको जब इनिशियली मंगाया गया था तो निज़ाम रेलवे जो है हैदराबाद में, उन्होंने मंगवाया था, एक रेलवे वर्कशॉप थी लालागुड़ा में उसके लिए। बाद में जब फ्रीडम के बाद जब रेलवेज बन गई तो इसको साउथ सेंट्रल रेलवे का पार्ट होगी लालागुड़ा वर्कशॉप। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसको आज की डेट में भी इसका जो मेंटेनेंस करते हैं वो लालागुड़ा वर्कशॉप की टीम के लोग करते हैं। मतलब वही लोग कर रहे हैं? ये हमारे बगल में बैठे हैं जो ड्राइवर साहब हैं देवेंद्र जी, ये भी लालागुड़ा वर्कशॉप से हैं, उनके साथ में हैं, ये भी लालागुड़ा वर्कशॉप से हैं। मतलब आप साउथ से चलकर यहाँ पे आए? और हर साल आते हैं। अरे वाह। तो यहाँ पर इस व्हीकल की अगर हम बात करें तो 1914 का बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फायर इंजन अपने आप में खास है, अनूठा है, क्योंकि इस तरीके का दूसरा इंजन दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। और ये जो हमारे साथ में लोग बैठे हुए हैं, ये अपने आप में खास है क्योंकि इनका काम है कि इसको बना कर रखना, चला कर रखना, और ये हमेशा इसकी देखरेख करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़ी हेरिटेज है, और ये नेशनल रेल म्यूजियम में अगर आप आएंगे तो इसको देखने को पाएंगे। और इस साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने ट्रॉफी भी जीती है,